नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलना, स्टूल पर बैठाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, गंगा जल छिड़कना, इन छह कामों को गिनवाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद वो कहते हैं कि जनता बैठी हुई है कि कब बीजेपी वालों का वोटों से कुटाई करने का मौका मिलेगा। भाजपा ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों और प्रचार में अच्छे लगते हैं, ये नौकरी का झूठा प्रचार करते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, यूपी और दिल्ली दोनों की सरकार ने नौकरी नहीं दी। इसके बाद वो सवाल उठाते हुए कहते हैं, कितने करोड़ लोगों को आपने नौकरी दी? आप मुझे सूची दीजिए। इस सरकार में अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको टायर से कुचल दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा, सुनने में आया है कि भाजपा अपने 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। 100 विधायक योगी के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठे थे, 50 हमारे विधायक हैं। अब हिसाब सीधा है, 300 सीटें तो हम अभी पार कर गए हैं। ग्लोबल इंडेक्स के मामले में जो आंकड़े सामने आए चौंकाने वाले हैं। जिस भारत को भुखमरी से लड़ना था, जो भारत सरकार को इंतजाम करने थे, वो नहीं किए गए। आज भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के पायदान से भी नीचे आ गए। सबसे कम वजन के बच्चे भारत में, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में, भाजपा के सबसे ज्यादा सांसद और विधायक जीते। सरकार ने यह दावा किया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोका जाएगा, लेकिन आज महंगाई बहुत हो गई है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का हिसाब लगाएंगे तो पाएंगे कि हर चीज की कीमत बढ़ गई है। मजदूरों को आज पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा है। जो समाजवादी पार्टी ने बच्चों के लिए किचन बनाया था वो वही है, और दूसरा सरकार ने कोई किचन नहीं तैयार किया है। ये सरकार किसानों के लिए खराब है। आज तक सरकार गन्ने का बकाया राशि नहीं दे पाई, बिजली नहीं दे पा रही। सरकार अगर कोयले की व्यवस्था पहले से ही कर लेती तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुश्किल नहीं होती। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। आज मुजफ्फरनगर के बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 5 बार से अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी आदि ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है।